तेज तेज बताओ जो सरकार को पता लगे। सबके मकान पक्के हैं? नहीं है। कच्चे मकान है? कच्चे हैं। और एसी वैसी तो लगा होगा उनमें? नहीं लगा। एसी लगा होगा भाई? एसी नहीं लगा हुआ है। अच्छा, तो बड़ा हॉस्पिटल तो होंगे बड़े यहाँ? हॉस्पिटल भी नहीं है तो बड़ा कॉलेज तो होगा, तो फैक्ट्री तो लगी होगी रोजगार के लिए। तो फिर पैसा कहाँ से कमाते हो? खेती के सहारे। खेती के सहारे? खेती है सब पे? कितना कितना बीघे है? दो दो तीन तीन बीघा। और कितनी फसल हो जाती है उसमें? आप पे खेती के लिए फसल जमीन भी नहीं है? अच्छा, किसके यहाँ खेती की जमीन बताओ, हाथ उठाओ, एक आदमी उठाओ को जिसके यहाँ खेती की जमीन। अच्छा ठीक है, तुम बताओ क्या क्या एक बीघा है, क्या फसल लगाते हैं उसमें? अभी गेहूं बोए, धान बोए। कितना गेहूं हो जाता है एक बीघे में? 10-12 क्विंटल। 10-12 क्विंटल तो साल भर का चल जाता है? नहीं चलता। दो भाई हैं, सास सास और हैं, बच्चे हैं चार, दो छोटे देवर के हैं, दो हमारे बच्चे। तुम्हारे घर कैसे चलते हैं सवाल ये है? मेहनत से मजदूरी करते हो? मजदूरी कहाँ, किस जगह मजदूरी कर? खेतों में? बड़े बड़े आदमियों के, जमींदारों के यहाँ पे? कितने पैसे मिलते हैं मजदूरी के? 200-250। और कितना समय सुबह से? 8 बजे से 5 बजे तक। और वो खाना वाना खिलाते हैं बस, या खाना अपना जाता है? ए, तुम फोटो माफिया हो, देख रहे हो क्या, सुन रहे हो कुछ, पता लगा तुम्हें? 200-250 रुपया मिलते हैं। कब? जब सुबह 8 बजे से पसीना बहाते हैं 5 बजे तक, तब, समझ रहे हो? और पक्के मकान भी नहीं है और सुख सुविधाएं भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घरों में 4-5 गाड़ी तो सभी के यहाँ होगी? जी भाई, इनके घर में ना एसी है ना 4-5 गाड़ी इनके पास। ये आप पॉलिटिकल तंज कस रहे हैं क्या उनको? मुझे ऐसा लगता है आप लोग गरीब होने का दिखावा कर रहे हो, या गरीब हो? ये कच्चे क्यों है? तुम्हारी वजह से तो है, तुम्हें पता नहीं क्या? देखो सुनो मेरी बात, ये कच्चे मकान क्यों है आपको पता है? देखो ये कच्चे इसलिए हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास अवसर होता है कि वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो उनके लिए काम कराए, ठीक है? और वोट का प्रयोग आपको सिखाना पड़ेगा। इस बार तो मैं ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा, लेकिन आप विश्वास करो, जितने मकान आपके कच्चे हैं ना, इसी बार हमारा कुछ बने ना बने लेकिन आपके मकान पक्के बन जाएंगे, ये हमारा वादा है 1 साल के अंदर, आप चिंता मत करो। कौन है भाई हमारे जिला अध्यक्ष? ए बलवीर, इनका सबका रिकॉर्ड बना के और उसके डीएम के कार्यालय पे फेंक के मार उसके मुंह पे। यहाँ काहे को बैठा, अमीरों को बनाएगा मकान जिनके बने हुए, जिनके गरीबों कच्चे मकान उनकी कौन सुधरेगा? प्रधानमंत्री इतनी योजना चलाए बैठे, ये सिर्फ भाषण भाषण देते रहते प्राइम मिनिस्टर और इनके नेता सब लोग। कागज लेके जाओ और उनको कहो कि बनाओ, वरना बैठेंगे जिला कार्यालय पर धरना देके। चुनाव खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद, हमारी ये इनको, ये हमारा परिवार इनको हमसे उम्मीद है कि हम इनके लिए कुछ करेंगे, समझ रहे हो? दे भी चुके नहीं, उसको कहो इनको पूरा करो वरना तो फाड़ देंगे कपड़े, समझ रहे हो? वो जनता की सेवा के लिए बैठा ना वहाँ, जब वो डीएम उसमें बैठा एसी में, तो ये गरीब लोग काहे को गर्मी में मरेंगे भाई? अब सर्दी आ रही है, अब क्या होगा इनका, रजाई भेजेगा क्या वो? है अपने घर के लिए तो बड़ी मोटी मोटी रजाई लाएगा, कंबल लाएगा, इनके लिए इनका क्या होगा? इनके पास तो सरकार फिर अम्मा, मध्य प्रदेश में क्या है ना, हमारे लोग मानसिक रूप से ऐसे तैयार नहीं हुए हैं। ये देखो इसी हालत में रखने के लिए लगे हैं,
कि इन झंडों को देखो, इनको एक दो दिन सुविधाओं को देख के इनकी वोट दो और फिर 5 साल अपनी जिंदगी को बर्बाद करो। अभी तो मैं आज ज्यादा आपसे कुछ कहता नहीं, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा आप लोगों के बीच, लेकिन मैं 1 साल की गारंटी देता हूँ कि 1 साल में आपके मकान पक्के हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वचन है। हमारा कुछ बने ना बने, इतनी देर तो लोकतंत्र है, हम लड़के करवा देंगे इतना काम तो, लेकिन आप भी समझदार बनो, ठीक है। तुम लोग पढ़ाई करती हो बच्चों? तुम लोग पढ़ाई करती हो? छोड़ दिए, मुंह से बोल के बताओ, तेज से बोलो, तेज से। नहीं नहीं ऐसे बोलो, आप पढ़ती हो तीनों? और आप पढ़ती हो? और आप तीनों पढ़ते नहीं हो? क्यों नहीं पढ़ते बेटा? हैं? गरीब आदमी है, पैसा होने जा पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा? आपकी बेटी है इनमें से कोई सी? कौन सी? इधर वाली? कब छोड़ी पढ़ाई? 8वीं के बाद। तो करती क्या अब? तुम भी जाती हो मजदूरी पे? तुम दोनों भी? कौन बीमार है? वो बीमार है? क्या हो गया उनको? अच्छा, लकवा मार गया। तो बेटा है घर में कोई? सीखो, ए सुनो, फोटो माफी आओ। ये हमारा परिवार है और ये जो आज इनके हालात है ना, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब लोग हैं, समझ रहे हो? हम अपनी ताकत बनाएं, अपने बीच के आदमी को आगे बढ़ा के भेजें, वो विधानसभा में हमारे अधिकार के लिए लड़े तो हमारी जिंदगी में बदलाव हो, ठीक है। इतना बड़ा एरिया पड़ा है, 2-4 फैक्ट्री लग जाए, 10-20 हज़ार लोगों को रोजगार मिले, लेकिन बेटा हम हो गए हैं शराब सूब पी के वोट देते हैं, पैसे वैसे लेके मिठाई उठाई लेके वोट देते हैं, किसी के अभाव प्रभाव में वोट देते हैं, कहाँ से बनेगी जिंदगी यार? सही बात है। अब बाकी लुटेरों के साथ रहोगे तो कैसे बदलेगी जिंदगी? इतने लोग आके चले गए, कुछ बदला गया तुम्हारी जिंदगी में? तुम चिंता मत करो, तुमसे तुम बेटा काम करो, मेहनत करवाओ। अभी नहीं कहता, इस बार कुछ नहीं कहता हूँ, कुछ बहुत कुछ बनेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगले 5 साल में वो बनेगा जिसको सारी दुनिया याद रखेगी, और तुम लोग भी याद रखोगे, ये भी याद रखेंगे सब लोग। जब मैं आया करूँगा 5 साल के बाद, अगर मेरा जीवन रहा तो ये कहा करेंगे, देखो ये जो सब बना है ये हमारे भैया ने मदद करके बनवाया, ये सब लोग कहा करेंगे, लेकिन तुम लोग साथ दिया करो, काम किया करो, ये फोटो वोटो से बाहर निकला करो। 2 दिन रह रहे हैं, कहाँ फोटो के चक्कर में पड़े हो? क्या बदलेगा? तो रोजगार मिल जाएगा इससे फिर? और जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं, क्या करोगे फिर? समझदार बनो। तो ठीक है, आज के लिए तो इतना ही है, तो तुम्हारे ले जाए हम। तो तुम कहाँ से लाए इसको? कहाँ तुम्हारे पापा? ए तुम्हारे हैं? तुम्हारे होते क्यों नहीं बन रहे मकान? सर अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पात्रता मांगा है तो उनके लिए कुछ उनको मिल गए हैं। हाँ, अब जो 1 साल 1.5 साल से तो बजट ही नहीं आया है, मध्य प्रदेश में किसी को भी नहीं मिला सर। किसी को नहीं मिला? किसी को मध्य प्रदेश में ही नहीं। सुन भाई, इसकी मदद करवा के जिलाधिकारी कह के मकान का काम चुनाव खत्म होते हुए करवाओ, इसमें जोड़ लगा के, ठीक है, वरना मैं आके बैठूंगा कपड़े फाड़ूंगा चुनाव के बाद उसके अधिकारी के भी और सरकार की नीतियों के भी। तो ये कितने का आया था? तो मैं लखनऊ से लेके आए थे, हम लखनऊ गए थे, स्टेचू लेने गए थे भाई, वहीं से लेके आए थे। लो रखो, हम तुम्हें देने के लिए लेने के लिए थोड़ा ही खुश रहो। हैं? पार्क नहीं, पहले तुम्हारी जिंदगी बन जाए, पार्क तो बन जाएगा, ठीक है। तुम्हें बढ़िया खाने पीने की जो है अवसर मिले और तुम्हारे अच्छे मकान। देखो गरीबों के दिल कितने बड़े होते हैं, अमीर होता तो कहता नहीं नहीं मत ले जाओ। सुनो, एक काम करो, हम अगली बार आ जाए ना तो दोनों ले जाएं तुमसे, इस महीने अगली बार आ भी जाएं लेने तुमसे, ठीक है ना? हाँ पक्का आएंगे ना? आएंगे, ठीक है। जय भीम, खुश हो, आपके आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं।